हेलो, आपको शर्म नहीं आती है? सॉरी, कौन बोल रहे हैं आप? ये जो टूथपेस्ट आप ब्रश पे लगाते हैं, ब्रश से गलती से गिर जाता है वॉश बेसिन में, आप उंगली से उठा करके वापस ब्रश में लगा लेते हैं, फिर उसी ब्रश को मुंह में लेके ब्रश भी शर्म नहीं आती सब करते हुए? अच्छा वो सब छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बाथरूम से आप जब निकलते हैं नहा करके, तो ऐसे सांवरिया की पोजीशन में टॉवल खोल करके पंखे के नीचे खड़े होकर क्या सुखाते हैं आप इतना? अबे तो पागल तो नहीं? और टॉवल का कलर क्या, येलो? अबे सुनो, हेलो, ये जो माउथ वॉश आप खरीद करके लाते हैं कुलकुची करके, ये फेंकने की जगह आप अंदर वापस क्यों ले लेते? मेरा पैसा मैं जैसे यूज करूँ, मेरा कौन होता है सब आपका? लेकिन मुझे ये बताइए कि पंखे के नीचे सावरिया स्टाइल में पीला रंग का तौलिया इसे फैला करके आप सुखाते क्या भाई साहब? बहुत हो गया, तू अपना एड्रेस दे, अभी आता हूं तेरे को क्या सुखाता हूं। आपने घर में सीसीटीवी लगवाया ना 10 दिन पहले, तो क्रॉस कनेक्शन हुआ है और आपकी सारी सीसीटीवी की फुटेज मैं अपने मोबाइल पे देख पा रहा हूँ, आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ मैं। क्रॉस कनेक्शन हो गया तो आपको आकर के हमें बताना चाहिए ना, ऐसे फोन में क्या अगर बोल रहे? नहीं नहीं, मतलब हम तो देख रहे थे, और ऐसी ऐसी हरकतें आपकी, सुखाते क्या है आप? तेरे को पता नहीं मेरा पहुंच कहां तक है, तू क्या कर रहे है? मेरे को फोन करके ये सब सुना रहा है बार बार? आपने आपने गाली दी है ना? मैं गाली तेरे को बार बार दूंगा, तेरे को सामने मिल। चलिए देखिए फिर मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, आपके वीडियोस तो मेरे पास में ना, जा तू कर ले जो करने के लिए। हेलो, सन्नाटे को चीटती सनसनी में आज हम आपको बताएंगे एक दरिंदे राजेश की कहानी, जो शुक्रवार की रात अपनी पत्नी को किचन में खाना बनाने नहीं देता, पीछे से जाकर उसकी बाहों को थामकर, उसके कमर को थामकर उससे प्यार मोहब्बत की बातें करता है। हेलो, ये दरिंदा। लेकिन इन सबके बीच में वो अपनी बीवी को प्यार से पुचकारना नहीं भुलाता। नेशनल टेलीविजन पर वो ऊंची आवाज में बात भी कर रहे हैं। ये दरिंदा अपनी खिड़की में खड़ा होकर बिल्डिंग में सुसु भी करता है। खिड़की से बाहर सुसु करने वाले इस दरिंदे की आवाज सुनिए। कनेक्शन हो गया, मेरा तो गलती है भाई, सुन मेरा बात सुन ले। और तो और ये अपने पड़ोसियों को गाली देता है। अरे भाई क्या कर रही है? सारी बातें हमें उनके पड़ोसी ने बताई है। आइए। अरे भाई मेरा बात सुन रहे ना तू? हेलो, सुन रहा हूँ। क्या कर क्या रहे तू भाई? गाली देना वीडियो फुटेज को लेकर। गलती हो गई यार, जल्दी कान पकड़, कान पकड़। ठीक है, कान पकड़ता हूँ। ठीक है, कैमरे के सामने आके मैं कान पकड़ो भाई। देख देख देख, तू देख रहे ना मेरे को? देख, पहले हमें बताइए कि आप सुखाते क्या? अरे भाई क्या सुखाता, कुछ नहीं सुखाता यार, कपड़ा खोल के दूसरा कपड़ा पहनता हूँ यार। हेलो, आपकी बीवी ना बहुत बदमाश है, आपको बता रहे भैया। और दिमाग मत खा यार, बताइए ये सब अंदर की बातें कोई किसी को बताता है? अरे नहीं बताता यार। तो आपकी बीवी ने हमें बताया ये सब कुछ? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, हमने कोई वीडियो फुटेज नहीं देखा है। दादा सुखाते क्या? सुखाता हूँ भाई, अब तो खुश है ना तू? हेलो, उदय बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए। ऋचा का पापा बोल रहा हूँ बेटा। गुड मॉर्निंग अंकल। परसों आप दोनों रास्ते पे थे छाते में एक साथ। परसों क्यों अंकल, क्या हो गया? आप थे ना छाते में ऋचा के साथ? हाँ हाँ हाँ। ऋचा के रिश्ते की एक जगह बात चल रही थी। अच्छा, और क्या हुआ अंकल बोलिए? लड़के वालों ने आप दोनों को एक साथ देख लिया, रिश्ता जो है वो कैंसिल कर दिया। कहाँ देखा फिर? आप लोग थे ना छाते में एक साथ, तो छाता में रहने से क्या होता है अंकल फिर? वो तो समझ रहे हैं कि लड़की का अफेयर चल रहा है। पर अंकल ऋचा ने तो कभी कुछ ऐसा बताया नहीं शादी के बाद, या कुछ ऐसा बातचीत चल रही है घर में? यार हर चीज बताते रहेंगी क्या आपको? वो तो हर कुछ बताती है मुझे। चलो यार, तब तो बहुत ही अच्छा, एक जगह से शादी टूटी है, हम आपके साथ तो संबंध बैठा ही सकते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मेरी लड़की की शादी अब तुम्हारे साथ में ही होगी। अंकल गुस्सा मत होइए, पहले देख। गुस्सा क्यों नहीं हो? छाते में चिपकने की क्या जरूरत है? चिपक रहे थे अंकल, आप पहले शांत हो जाइए। पहले शांत क्यों जाओ, हमारी लड़की का रिश्ता टूट गया तुम्हारे कारण? मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप कभी अपनी बेटी से भी पूछिए, वो भी तो साथ में थी। हमारी बेटी के कैरेक्टर के बारे में हमें मालूम है, मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी अभी तुमको। अंकल सिर्फ छाते में काल करे सो आज कर, डिसीजन कुछ नहीं हो पाता एक छाते में रहकर। छाता छतरी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट तुमको मालूम है? आई नो अंकल, छाता हाथ में पॉकेट में छतरी रहनी चाहिए हमेशा, अंकल छाते का डिसीजन छोटा नहीं होता है। आप मेरे ऊपर मत भड़किए, बहुत आदमी हो तुम। बैंक अंकल कंट्रोल में, ये गाली गलौज मत दीजिए, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपका, इसलिए प्लीज बात को समझिए। बहुत कमीने लड़के हो तुम। मैं भूल जाऊंगा कि आप अंकल हैं, ऋचा के अंकल हैं। ऋचा के अंकल नहीं, ऋचा के पापा हैं। हेलो, हाँ हेलो, कौन? हाँ, एक छाते में दो जन तो समाते नहीं है, तो दीदी का कंधा छाते से थोड़ा बाहर था, तो वहाँ पे पानी गिरते गिरते बैग के अंदर चला गया। बैग में मेरा एक मोबाइल फोन रखा हुआ था, वो खराब हो गया जीजा जी। अच्छा जीजा जी में कहाँ से हो गया? तुम साले फालतू फालतू बात बोल रहे हो, मेरे को एक दिला दीजिए जीजा जी। तुम्हारा औकात है का? तुम फोन यूज करने लायक नहीं हो, तुमको कहाँ से हम दें? जीजा जी साले को ऐसे गाली दे रहे हैं, ऋचा का भाई हूँ मैं। तुम एक नंबर के साले, दीदी के साथ छाते के नीचे क्या गुल खिला रहे थे आप जीजा जी?
सामने आ जाओगे ना, इतना गुल खिलाओगे तुम्हारे साथ, आपको भी पता तो नहीं चलेगा। शादी करनी पड़ेगी, रिचा दीदी का हाथ का खाना आप खाएंगे ना तो मर जाएंगे, हम बता रहे आपको। जिया जी, जीजा जी, एक मिनट जिया जी, दादाजी भी बात करेंगे। दिमाग खराब मत करो। अजय बेटा, चाचा दादाजी बोल रहा था बेटा। दादाजी बोलिए। मोतियाबिंद का एक इलाज करवाना था बेटा। मैं क्या करूँ उसमें, मैं तो डॉक्टर। तो बेटा कर रहा हूँ खुद, परिवार का जमाई होने के नाते तुम मेरा मोतियाबिंद का इलाज करवा दो। क्यों फालतू की बेटा, अभी अभी तो रिश्ता बैठा है, छाते के नीचे बहुत गुलछर्रे उड़ाए थे। बहुत बड़ी गलती हो गई, छाते के नीचे आ गया, पूरा परिवार देख लिया। क्या बेटा, आना तो तुमको गाड़ी के नीचे चाहिए था। बोलिए बेटा। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा था, रेड एफएम से। अच्छा खासा ब्रेकफास्ट खा के मैं निकला था, और अब लगता मुझे फिर ब्रेकफास्ट खाना पड़ेगा। बेटा किसी के छाते के नीचे मत आना बेटा। तो मैं छाता लेना ही अब छोड़ दूंगा मैं। नहीं देखो, छाता लिया करो, सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। जरूर 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 छाता लेंगे जरूर। हेलो, दुकान है ना आपकी? जी बिल्कुल है जी। तो छतरी रखते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल रखते हैं। कितनी वैरायटी की छतरी है आपके पास? देखिए वैरायटी तो बहुत आती है, आप बताएं आपको कौन सी वैरायटी चाहिए। अच्छी वाली चाहिए जिसमें मतलब टिके। हमारे पास अच्छा ही होता है माल। मैंने मतलब जो टिकने वाला जो होता है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोकल रखते ही नहीं है, लंबा चलेगा। तो कितना लंबा चल सकता है ऐसे, आपको आइडिया कुछ बता सकते हैं आप? क्या मजाक कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्या सालों साल चले टिके लंबा एकदम? सालों साल तो नहीं, हमें चाहिए मतलब जो ऐसे फटे नहीं। फटेगा नहीं, इसकी गारंटी देते हैं, लेकिन सालों साल चलने वाला नहीं है। हमारे तो घर में जो छतरी थी, हमारे दादाजी ने इस्तेमाल करी, फिर मेरे पापा ने इस्तेमाल करी, फिर पापा से लेके कभी कभार हमने भी इस्तेमाल कर दिया। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इस्तेमाल करते आए छतरी। भाई साहब मेरी बात सुनिए जी, चाहते हैं क्या हुआ आप? मैं तो रिंग मोड से वाइब्रेशन में डालना चाहता, पता नहीं कर नहीं पा रहा। एक मिनट, हाँ कर लिया अभी। मैं क्या बोला, तो छतरी चाहता हूँ भाई साहब। और क्या छतरी तो हमारे पास है, मुझे तीन छतरी चाहिए थी। लूज नहीं देते हम लोग। तो आपके पैकेट में कितनी छतरी आती है? पैकेट में होते हैं 6 पीस। इतनी छतरी लेके क्या करेंगे? आवाज से तो जवाब लग रहे हो, यूज कर सकते हो। हमारे तो दादाजी, उनकी उम्र हो गई 89, वो भी छतरी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा है कि हमारा अभी छतरी लेने के पीछे कारण हो गया, जो दादाजी छतरी इस्तेमाल करते थे वो पापा को दी थी, पापा ने हमको दी, हम इस्तेमाल करते थे, फट गया तो क्या हुआ, पापा ने फिर भी उसमें सिलाई कर दी। कौन सी छतरी की बात कर रहे हो? छतरी जो बरसात में जो पानी अंदर घुसता है ना बचाने के लिए छतरी, वही। सुनिए भाई साहब, हेलो जी, हम मेडिकल स्टोर से बात कर रहे हैं। तो आप कौन सी छतरी समझ रहे थे? तो हम तो वो समझ रहे थे, दूसरी छतरी। वो क्या होता है? अब वो क्या खुल के बताएं क्या? क्यों बोलने में शर्म आती है खुल के? दवाई समझ रहे थे कि आप की बात कर रहे हैं। दवाई दुकान चलाते और शब्द बोलने में भी शर्म आते। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अगली बार से अपनी तरफ से एडजेक्टिव्स ना जोड़े, उनको बोले जी 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 है ना भाजी। हेलो, आपका नाम सर? बात कर रहा हूँ, कौन? यू आर अ शेफ। शेफ हूँ। भाभी कैसी है? भाभी अच्छी है, आपको? पिंकू कैसा है? पिंकू भाई अभी तो शादी हुई है, पिंकू कहाँ से हो गया? अरे हम तो खबरें सुन रहे थे आपके पिंकू के बारे में। आप बोल कौन रहे हैं? अच्छा रुको, अभी तुमको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। मोम चित्ते नित्य नित्य पोते घाटे तथा थाई थाई। क्या बोल रहे हैं? मोम चित्ते नित्य नित्य पोते घाटे तथा थाई थाई। अरे क्या गा रहे हो यार, ये क्या क्या है ये? ये किसने लिखा बताओ बेटा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हाँ तो टैगोर टैगोर, अब तुम कनेक्शन बैठाओ, याद आ रहा है? क्या कनेक्शन मिला रहे हो यार बेटा? देखो तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा छोटा तैमूर, मम्मी शर्मिला टैगोर और तुम सैफ। यार आप क्या बातें कर रहे हो, आप कहाँ फोन मिलाया आपने, कौन हो यार? आपने बोला ना आप शेफ हो। तो सैफ अली खान। वे कैसे हो? अबे वो बहुत दिमाग खराब कर दिया, फोन रखो। वे अरे फोन रखो यार, दुखी कर रखा है यार। वे तो तुम भी रख सकते हो। हेलो। हाँ बेटा, कौन बात कर रहे हैं? एक चीज बताओगे? हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं? बेटा तारा रंपम, तारा रंपम। हाँ? ये कोई नाम होता है सिनेमा का? क्या सोच के रखा था आपने बेटा? अरे आपने किसको फोन मिलाया, कौन? सैफ को, सैफ। तारा रंपम बेटा, ये बहुत गंदा जलील जाहिल जुलुलुल नाम है ये। एक जगह से ही फोन करेगा तो फोन रखो, गोली मारेंगे बेटा। ये टैलेंट है आपका, घुस के गोली मारेंगे। हेलो, मैं स्पीकिंग टू शेफ। या स्पीकिंग। जब आप कोई बहुत ही बेहतरीन डिश बनाते हैं जिसका टेस्ट एकदम रंगीन और संगीन हो, तो आप टेस्ट करके क्या कहते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट यू से? बात कौन कर रहे हैं पहले बताएंगे आप? होटल के जीएम का मैनेजर बोल रहा हूँ मैं। ओके ओके सर। या हाँ, तो पहला शब्द आप क्या कहते हैं? वाओ। वेल, इसे कहते हैं। अरे फोन फिर से कौन साले।
हेलो सर। हेलो मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से और हम लोग अरे यार 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 ले लो यार इधर यार कब दिखे से तुम्हें रद्द हो गई यार। हेलो नमस्कार सर, हम फोन से बोल रहे थे, आपका मोबाइल नंबर आपने आधार के साथ में लिंक करवाया था थोड़े दिन पहले। हाँ करवा लिया हमने, करवा लिया। आपका नाम प्रकाश प्रजापति जी। हमको लग रहा है ना सर आपका बायोमेट्रिक जो है ना, जो हाथों की उंगलियों के निशान है वो दोबारा लेने पड़ेंगे सर। पूरा आधार से हमने अपना लिंक करवा दिया है, लेकिन आपके जो उंगलियों के निशान आया ना उसमें पीले रंग का दाग है, मतलब उनमें ना पिलाहट है। कैसी बात करो, आपकी उंगलियों में टट्टी लगी हुई थी हमने देखा। टट्टी कहाँ लग जाएगी, हमारा फव्वारा लगा हुआ है। हो सकता है सर उस दिन फवारा खराब होगा, आपने हाथों का इस्तेमाल किया होगा। बायोमेट्रिक में पूरी उंगलियां जो है ना सर आपकी पीली पीली नजर आ रही है। किस दिन की बात हमसे ना करो, हमारे घर में फवारा लगा के ही धोते हैं, हाथ से नहीं धोते हैं हम, तुमको फिर बता दे। लेकिन उंगलियां पीली है सर आपकी, दिमाग नाम की चीज है कि नहीं, कई चीज है। हाथ में टट्टी लगी होगी तो हम जाके बायोमेट्रिक में उंगली जाएंगे सर, वो सूख गई होगी। बहुत आदमी यार तुम, एक नंबर के कहा तुम, बोलते तो घंटा नहीं बोल रहे। हेलो बच्चा, कौन बोल रहा है? हमने तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारे हाथ देखे, तुम्हारी उम्र 30 साल, नाम प्रकाश प्रजापति। नंबर कहाँ से? शादी तुम्हारी अभी तक हुई नहीं है ना बेटा? शादी नहीं हुई है। शुक्र के घर में शनि का तो दोष है ही नहीं बेटा, दोष तुम्हारे हाथों में है। मतलब देखो, इंसान के हाथ पीले होना मतलब शादी होना, लेकिन जिसका जन्म जन्मांतर नेचुरली हाथ पीले हो, उंगलियां पीली हो, बायोमेट्रिक भी पीला पीला नजर, पीले हाथों को और पीला कौन करे। अरे बट वही ना फोन न कर देना, तो बता दिया वही आकर के। तुम्हारे ना दोष नजर आ रहा है, एक बीमारी होगी तुम्हें बहुत जल्द, पीलिया नाम की बीमारी होगी, पीलिया। अरे जाओ, तुम्हारे घर में सबको पीलिया कच्ची खाते हो तुम लोग, कच्ची बोलते हो, रख दो फोन। तुम्हारी तुम लोग फोन कर करके सुबह से जिंदगी नरक कर दियो हमारी, तुम्हारी वही कच्ची। आप क्या बोल रहे हैं? एक्सक्यूज मी, हेलो, व्हाट आर यू सेइंग? आप इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, छी। अरे माफ कर दो माता, सुबह से इसी नंबर से बात कर रहे हैं, सब हमको बोल रहे हैं, कोई कह रहा हाथ में। अरे मैडम ऐसा है कि ये पीले हाथ वालों से ना ऐसे यही मत कीजिए, सारी वारी तो सुनिए ही मत। हाथ में मतलब पीला पीला लगा है सर बायोमेट्रिक में, सूखा हुआ पपड़ी टाइप। तुम्हारा पता नहीं किस लड़की से बात करवा दी, तुम दोनों लड़कियों का भी इस्तेमाल कर रहे हो क्या? लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज आपकी सही नहीं। लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज आपकी सही नहीं है। अरे प्रजापति जी, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम कहीं से भी बोल लो, कहाँ से बोल लो? रेड एफएम से बोल रहा हूँ आरजे प्रवीण, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे भैया तुम लोग को मुर्गा उर्गा बनाने के नंबर कौन देता? लेकिन लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज सही नहीं है आपकी। हेलो, वो आप जो हमारे इधर जिम में आए थे ना, मेंबरशिप आपने ली थी 21,000 रुपए दिए थे आपने। जी 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 जी। आप आए क्यों नहीं मतलब उसके बाद? मुझे अभी नहीं बनाना है बॉडी वॉडी, जिम क्यों नहीं ज्वाइन करना है। आप तो बड़े उत्सुकता के साथ में आए थे कि आपको बॉडी बनानी है नॉल। नहीं आया तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, शादी वादी होने वाली है मेरी एक्चुअली। तो क्या आपकी बीवी को बॉडी बिल्डर्स पसंद नहीं है क्या? मतलब मैंने सुनने में आया, पता नहीं रूमर होगा या क्या है, जिम विम ज्यादा करते हैं, बॉडी वॉडी बनाते हैं ना, तो शादी के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि नहीं करता हूँ सर मैं जिम में। अरे देखिए हम आपको बताएं, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले, सारी रिस्पांसिबिलिटी हमारी है, शादी के बाद आपकी जिंदगी में सुखी सुख रहेगा। मैं समझा नहीं मतलब क्या? भाभी जी अगर आपसे खुश नहीं है तो हमारे जिम में बहुत सारे लड़के हैं। क्या बोल क्या रहे हो बे? जिम आइए, बॉडी वॉडी बनाएंगे, और अगर आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारे लड़के हैं, संभाल लेंगे सिचुएशन। बोल क्या रहे हो तुम? पते की बात बता रहे कि देखिए अगर आपसे ना हो पाया तो दूसरे तो है ही जिंदगी में, अपना भला ना कर पाओ तो दूसरों का भला करना चाहिए कि नहीं? तुम्हारी हाय बड़े, मेरी बीवी के साथ करोगे मतलब? मैं क्या? अरे नहीं नहीं, हम नहीं, हमारे इधर लड़के तैयार किए हमने उसके लिए, खून पसीना एक करके मेहनत करी उन्होंने, बॉडी बनाई है इतनी, खून पसीना सब। अच्छा एक काम कीजिए, आपका घर में 100 स्क्वायर फीट का जगह होगा? हा? अरे मुझे आपसे 21,000 रुपए लिए, हम लोग उसूल वाले हैं, हम आपकी बॉडी बनवा के छोड़ेंगे, आपके घर में एक ट्रेडमिल, बेंच प्रेस और डंबल्स वगैरह भेज दे रहे हैं, और हमारा आदमी हर दिन सुबह सुबह चला जाएगा, रमेश और सुरेश यहाँ के दो परफेक्ट ट्रेनर, उनको देख करके भाभी जी भी फिदा, तो भाभी जी का भी काम हो गया और आपका बॉडी का बॉडी हो जाएगा। भाभी जी कोई जरूरत नहीं, क्या कर रहा है, है जल्दी से सामान पैक करो। अरे मुझे नहीं चाहिए यार, कोई हमें रोक भी नहीं सकता क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। सुनो सुनो, मैं भी मेरा काम करने दो, मैं अपना बॉडी बनाएंगे तो हम भी आपको काम देंगे। काम दोगे? क्या काम दोगे? हमारे पास बहुत काम पड़ा है सर। अरे करते करते थक जाएंगे। देखिए हमारे पास में क्लाइंट भी रेडी है। हाँ सर आइए। कम ऑन, अबे रख फोन। आई विल गिव लो, मार्केट में जॉब नहीं है, आपको काम दे रहे हैं। मार दे ठीक है, रखो फोन।
हमने तो सिखाया इसको। अरे मैं भी आ रहा हूँ रे। दो क्लाइंट रेडी हो गए आपकी आवाज सुन करके। हम लोग दोनों जुड़वा हैं। अबे वो जुड़वा वुड़वा भैंक लूंगा सब कुछ मैं तुम्हारे डंबल दोनों एकदम फोड़वा देंगे। नमस्कार, मैं आरजी प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अबे यार भाई तो पीना नहीं, लेकिन बॉडी वॉडी बनवा लीजिए, भाभी जी के काम आएगा। अरे नहीं भाई, वो भाभी जी के काम का ही तो नहीं बचूंगा फिर मैं, बॉडी बना ली। सुना है मैंने कि शादी का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। हेलो जी, मेरा नाम मेहरा जी है जी। आपका बॉटल्ड वाटर प्लांट है जी? हाँ जी। आप लोग कस्टमाइज बनाते ना लेबल, कस्टमाइज लेबल जी? हाँ जी। तो ऐसा है कि मैं मेहरा जी और मेरी बेटी की शादी है, कोमल वेट्स नीलांजन। ओके। 9 दिसंबर की डेट है। अच्छा। 5,000 बॉटल्स हमें चाहिए होंगी कोमल वेट्स नीलांजन की, तो आप बनवा पाएंगे? बन जाएगा। तो फिर मैं कोटेशन के लिए आपको दोबारा कॉल कर लूंगा जी। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। हेलो, वाटर बॉटल प्लांट जी? या माय सन गेटिंग मैरिड। ओके। 9th ऑफ डिसम्बर। ओके। सो आई वांट वाटर बॉटल लेबल कोमल वेट्स कृष्णन अय्यर। कोमल वेट कृष्णन अय्यर। या 5,000 5,000 पानी का बॉटल रिक्वायर्ड। कोमल की शादी तो किसी और से हो रही है भाई? ये ना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यू गॉट। कोमल गेटिंग मैरिड कृष्णन अय्यर माय सन। ओके फाइन। यू मेक बॉटल ना, यू मेक बॉटल फॉर मी। 5,000 आई नीड 5,000। ठीक है, बन जाएगा 5,000। ओके, आई विल कॉल बैक फॉर द कोटेशन। ओके। हाँ भैया, सुना तू बॉटल में लगा दे वाला लेबल नाम का, नया नाम का? हाँ जी। हाँ तो भैया सुना ना, हमारा भतीजी है कोमल, उनकर ब्याह हुई श्याम सुंदर के साथ, तो हमके 5,000 बॉटल दे दी तनी नाम के साथ, कोमल वेड्स श्याम सुंदर। ये लड़की है कि क्या है तुम है? मजाक बना के रखा है, दो ऑर्डर आ चुके हैं, ये कोमल है कि क्या है रहे हो तुम फालतू के? चला है कि कोमल को लेके तुम तीन आदमी बना रहे हो मैं। हेलो साहब जी, आप लोग वो पानी का बोतल का प्लांट बनाते हो ना, हमको लेबल वाला चाहिए था जी कोमल की शादी के लिए। वो सर सही बेचारा सर, कोमल वेट्स फ्रांसिस ले पागल हो मत के रखे हो क्या है? कोई काम नहीं। मैं मिस्टर मेहरा बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हुई थी स्टार्टिंग में जी। ऐसा है कि हमारी बेटी का स्वयंवर हो रहा है। अच्छा। तो हर तरीके के लोग आ रहे हैं, आप ऐसे गाली गलौज नहीं कर सकते हमारे संधियों के साथ में। ठीक है, दैट इज ओके, बट क्या है कितने लोगों के साथ शादी हो रही है? सबके नाम के ऐसे बॉटल बना के लाइएगा 5,000, जिससे जिसको हमारी बेटी पसंद करेगी उसके साथ में शादी होगी, और बाद बाकी बॉटलें आप अपने साथ में वापस ले जाइएगा। ठीक है? टाइम बर्बाद सर जी। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। भाई शीतल जी की आज तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसके बावजूद भी मयंक जी जो है ऑफिस निकलेंगे। बेचारी गलती तो इनकी भी नहीं है, लेकिन चाहती हैं कि पति का बैंड बज जाए तो क्या करें। बजाओ। हेलो, मयंक जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। चौबे बात कर रहा हूँ यार, तौलिए वाला जो हैंकी होता है वो नहीं पड़ रहा क्या घर में? मतलब कौन बोल रहा? मैं चौबे बोल रहा हूँ मेरे मालिक। अबे किससे बात कर रहे तेरे को चौबे? भाई साहब 20 नंबर वाले मयंक जी बात कर रहे हो, सेकंड फ्लोर पे घर है आपका? हाँ जी बोल रहा हूँ। मेरे आपके वो जो सामने मार्केट है उस पे फ्रिज रिपेयर करने की दुकान है। ठीक है। तो मैं आपके घर आया था, वो तौलिए वाला जो हैंकी होता है मोटा सा वो ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा कहीं पे। मेरे घर किस लिए आए हो तुम? भाभी जी की तबीयत खराब थी ना, मैंने वो सोचा ठंडे पानी की पट्टियाँ कर देता हूँ, बेचारी चीन चप रही थी बुखार में। पूरा ध्यान रखता हूँ मैं, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। सांस क्यों फूल रहा है तुम्हारा? घर आने वाली कोई बात नहीं है, भाभी ठीक है, एकदम सेफ हाथों में तोड़ दूंगा आगे, इतने मारुआ साले गिनती भी नहीं हो पाएगी दर्द। ठीक है, फोन मिला रहे होंगे अपनी बीवी को, जल्दी से फोन लगाओ, मारूंगा साले के इतना। अरे आपने तो मंगाए थे। हेलो, क्या कौन बोल रहा है? कौन चौबे बोल रहा हूँ मेरे मालिक। अरे आपको कुछ नहीं कह रहा था मेरे मालिक, ये बेवकूफ आदमी बुखार में केले खाएंगे भाभी बेचारी। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बीवी है, चिंता करने के लिए मैं हूँ, केले खिलाने के लिए मैं हूँ। दो केले हमारे ले लिए तो क्या हो जाएगा भाई, कोई गुनाह हो जाएगा? अरे किस लिए इतने मतलब एंथनी दिखा रहे हो? एंथनी? एंथनी कौन है? एंथनी सूजा, पड़ोस में रहते हैं जो। अच्छा, हमें नहीं बता रहा, क्रिसमस पे बुलाया नहीं कभी।
ये कौन बोल रहा है पास में? अरे केले वाला है बेवकूफ, इसको भी लगा बेचारी भाभी उदास बैठी होंगी, उनको कोई बात नहीं, केले दे देते। मेरी बीवी से बात करवा। भाभी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है भाई। नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तकलीफ मत दो, आप पति हो दे लो जो भी देना चाहते हो, लेकिन तकलीफ मत दो। मैंने सुनी अफ्रीकी बुखार बताया। अफ्रीकी बुखार है? किसने बोला है? चल रहा पड़ोस में अफ्रीकी बुखार। भाई बोलो तो वेद जी को भी ले आऊंगा साथ में, वो कह रहे हैं कि अफ्रीकी बुखार लग रहा है। अगर हो वहीं पे तो दो मिनट में चले जाओ, ठीक है? अच्छा ठीक है, हम निकल जाते हैं यार, निकल जाओ। बीवी का मामला है, बस इतना बता दो चूरन कहाँ है। चुपचाप यहाँ से कट लो। मेरे मालिक सुनो मेरी बात, आखिरी बार बोल रहा हूँ, आपके घर में छोटा सा फ्रिज है, उसके साइड में नैपकिन्स रखे हुए, लेकिन उन नैपकिन्स को मैं ठंडे पानी में डाल के भाभी के सर पे नहीं लगा सकता, इसलिए अब बता दो। दो मिनट में बाहर निकल जा, साले के गोली मार दूंगा अभी नहीं आगे। मैं कह रहा हूँ यकीन हो गया? मैं कह रहा हूँ वो सुनी सुनाई तेरा। हाँ बाहर हो ले, हमारे लिए काम इतना इंपॉर्टेंट हो गया, कौन सी 3 करोड़ की डील कर रहे हो जो मासूम सी भाभी को बेचारी को अकेले छोड़ के चले गए तन्हाइयों की बाहों में? रोना तो बंद कर दूंगा, जरा एक काम कर, चाय बना ले तब तक, भाभी के लिए भी पूछ ले, भाभी चाय पिएगी क्या? इनके फ्रिज में भी कुछ ना रखा, अंडे भी ना खाते है तो। अंडे नहीं खाते तुम लोग? ये अंडे दे दूंगा भाई। भाई भाई कहीं के लिए मत निकलना। अरे हंसी ले रहे हैं क्योंकि सुपर हिट 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। अरे और ये बात भाई भाई भाई, और ये बैंड आपका आपकी वाइफ नहीं बजवाया है क्योंकि वो कह रही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आज ये ऑफिस है। भाई साफ सफाई के मामले में अतुल जी का कोई मुकाबला नहीं, ऐसा इनका मानना है कि मैं बड़ा साफ सुथरा आदमी हूँ। अच्छा जी बैंड बजाते हैं इनका, बजाओ। हेलो हेलो जी, मेरी बात अतुल जी से हो रही है? हाँ जी। आई एम कॉलिंग फ्रॉम द हेड ऑफिस एचआर डिपार्टमेंट। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। हाउ इज द वर्क गोइंग? ओके। अच्छा अतुल जी, एक बात दरअसल सामने आई है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं। कंप्लेंट किस रिगार्डिंग? एचआर से मैं बात कर रहा हूँ, और हमारे को बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करी है दैट यू नो वर्क वाइज सो यू आर गुड, लेकिन हाइजीन लेवल पे यू आर नॉट यू नो गुड इनफ। क्या हुआ था? ऐसा ये हुआ है कि आप वॉशरूम एक तो बहुत लेट जाते हैं, और जब भी जाते हैं तो आप फ्लश करके नहीं आते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं मैं फ्लश नहीं कर रहा हूँ? भाई अब ये कुछ लोगों ने आप पे ये चेक किया होगा ना कि हु इज द कल्प्रिट। आपके पीछे पीछे कोई गया होगा, हमने सीसीटीवी कैमरास में भी देखे जब आप वॉशरूम गए हैं, और उसके बाद जो बंदा गया है आई कांट टेक आउट द नेम, बट ये है कि हाँ आपने फ्लश नहीं करा उन्होंने बताया है। आपने क्या बताया कि आपने सीसीटीवी कैमरा में देखा? हाँ सीसीटीवी कैमरा में देखा है। वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है आपने? बिल्कुल लगवाया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए, आप काम अच्छा कर रहे हैं। चार ओवर कलीग का नाम ले सकता हूँ, कम्प्लेन करने से क्या हुआ है? नहीं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी किसी ने कम्प्लेंट करी है और हमने भी वेरीफाई करा है तो इसमें यू शुड एक्सेप्ट इट ना, अगर अपनी खुद की फॉल्ट है तो है। किसी ने तो ये भी बोला आप वॉशरूम के बाद हाथ नहीं धोते हो, हाथ नहीं धोते हैं आप, और बाहर जाके लोगों से हैंड शेक करते हैं। सर आप इसको You don't Mr. Atul, excuse me, you don't tell me what should I do and what should I don't do, ठीक है? ये आपका जो भी रिपोर्ट है ये चलता ही है सर, एवरी टाइम मैं फ्लश करके आता हूँ, हैंड वॉश करता हूँ, आपसे किसने कहा ये? बहुत सारे लोगों ने सिग्नेचर करके दिए हैं कि हाँ अतुल इज द वन। बहसबाजी में कुछ है नहीं, अगली बार के लिए आप याद रखिएगा फ्लश करेंगे आप, ठीक है, हाथ धोएंगे, और इसके साथ ही साथ आप रजिस्टर रखा जाएगा वहाँ पे, आप लिखेंगे मैं इतने बजे आया था और इतने बजे बाहर निकला हूँ टॉयलेट से। अच्छा आपने जो बोल दिया वही माना जाएगा सर, मैं देखूंगा जो मैं वॉशरूम से बाहर आ जाऊंगा, हाथ धो लूंगा और खाना भी खा लूंगा, कर लूंगा। नहीं भाई आप बेवकूफ नहीं हो, हम बैंड बजाने की कोशिश कर रहे थे 93.5 रेड एफएम। हेलो, जो प्ले ऑफ मैच आएगा वो क्या भाव चल रहा है मार्केट? कौन बोल रहा है भैया? साहिल बोल रहे, छोटा साहिल। टॉस उसका क्या है, ज्यादा रेट उठ मिलेगा तो हमको बता भैया, उधर से पैसा निकलवाए। क्या भाव का बात कर रहे हैं भैया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या बात कर रहे हैं? अरे तो हम तो भाव का चला है, कितना मांग रहा है भैया? हम क्या मांग, हम इसके बारे में नहीं जानते, आप काहे फोन किए हमें, आप लग रहा है कहीं गलत नंबर। डर रहा है पुलिस उलिस का टैपिंग से? टैपिंग नहीं होगा, चिंता मत करते, खाली भाव बोलना हमको, भाव खोल। अरे आप गलत समझ रहे हैं, आपने गलत नंबर मिला दिया है, आप फोन प्लीज रख दीजिए ना। साला एक नंबर का फट्टू निकला बे। हेलो
पुलिस स्टेशन से बोल रहा था। आपके पास क्या कोई छोटा साहिल का फोन कॉल आया था थोड़ी देर पहले, जो आपको बोल रहे थे क्या भाव चल रहा है? हाँ हाँ सर, आया था अभी कुछ देर पहले आया था अभी। हो सकता उनका कॉल दोबारा आपके पास में आए। इस बार जब आपके पास में आए ना, तो आप थोड़ा लंबा उनसे बातचीत कीजिएगा, ताकि हम लोग फाइंड आउट कर पाए कि उनका लोकेशन क्या है। सर हम कहीं फंसेंगे नहीं ना इस सब चक्कर में? अरे नहीं नहीं, आप टेंशन मत कीजिए, पुलिस आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपको फंसाएंगे नहीं हम। ठीक है सर। हाँ हेलो, कहाँ रे छोटा साहिल बोल रहे हैं, हमारा आवाज नहीं पहचानी इस्ते। अरे पहचान गए साहिल भाई, तो हमको आप बताओ रेट वेट कहाँ चल रहा है, किसका भाव ज्यादा गर्म है? कलकत्ता का भाव बहुत ज्यादा बड़ा है भाई। क्या नो बॉल बॉल फेंकी तो आइडिया है? तीसरे ओवर का चौथा बॉल लो जाएगा तो पक्का खबर जानी तो, तीसरा ओवर का चौथा बॉल नो बॉल तो लगा दे पैसा हम एकदम। किधर से लाई सर खबर? अरे अब मैं बोल रहा हूँ ना। मैं कौन, नाम तो बोल तेरा। अरे भाई उज्जवल भाई बोल रहे हैं, पता नहीं है क्या? उज्जवल जी थाना से बोल रहा हूँ। साला बैटिंग कर रहा है, तुम इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तीसरा ओवर का चौथा बॉल, इसका एड्रेस निकाल भाई। किधर में एड्रेस? टॉलीगंज के पास है सर। ए उज्जवल, कितना दिन से चल रहा है तेरा सब धंधा है? नहीं सर ऐसा नहीं है सर, मैं तुम किसको बोल रहा था अभी? तीसरा ओवर का चौथा बॉल मेरे पास में इन्फॉर्मेशन है, किसको बोल रहा था तुम? सर इसके पहले मेरे पास फोन आया था, आपने बोला था ना किस बोला? मैंने कब बोला रे? मेरे पास में रिकॉर्डिंग है। आप सट्टा खेल रहे हो? आपके पापा बैंक में कर्मचारी है, मेहनत की कमाई करते हैं। सर मैं नहीं, और तुम सट्टा खेल रहे हो? सर प्लीज माफ कर दीजिए, मैं माफ इतना बड़ा रैकेट चला रहे हो तुम, छोटा साहिल वोटा साहिल पता नहीं किससे बात कर रहे हो, अपने बाप का इज्जत मिट्टी में मिलाओगे? साहिल को नहीं जानता सर। अभी तो तुम साहिल से बात कर रहे थे इतना हंस हंस करके। सर इसका डिटेल्स और निकला, चौधरी कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेके पढ़ाई करता है। पहले तो उसका नौकरी वाले जगह पे नोटिस भिजवाओ, वहाँ से निकलवाओ। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। सट्टा खेलेगा मैं नहीं खेलता सर। अभी इन्फॉर्मेशन दे रहा था तुम फोन पे, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही लोगों ए, इसको घर से उठा रहे, घर से उठा, चल गाड़ी निकाल, जीप निकाला है। नहीं सर नहीं सर नहीं सर, मम्मी पापा लोग बहुत गुस्सा होंगे फिर अगर सुनेंगे। नहीं नहीं पापा तो तुम्हारा एकदम गुस्सा नहीं होंगे, पापा को बहुत खुशी होगी जब पापा को मालूम चलेगा कि हमने उनके बेटे को एक्चुअली में मुर्गा बना दिया, आपके पापा ने आपके नाम की सुपारी दी थी आपको मुर्गा बनाने के लिए। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। हाथ पैर कांप रहे थे, मैं क्या बोलूं, पापा सरकारी बैंक में काम करते हैं लेकिन आदमी बहुत सही है भाई। हेलो जी, आपके पास में एंड दोनों मोबाइल फोन है राइट? हाँ, पर आप कौन? दोनों की जो कस्टमर केयर है उनका हेड बोल रहा हूँ। ओके, नाउ यू नो कि की शादी हो रही है, यानी कि दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह की। हाँ हाँ जी जी, हाँ जी पता चला। जिन लोगों के पास में एंड दोनों मोबाइल फोन है उन लोगों को मौका मिल रहा है टू अटेंड द वेडिंग, ये मौका आपको भी मिल सकता है। क्या बात कर रहे हैं, सच में? जी एग्जैक्टली, लेकिन उसके लिए आपको कुछ आसान से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तो हम आपको दोनों तरफ से कुछ सवाल करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक। पहले लड़की वाली की तरफ से, यानी कि की तरफ से सवाल ये है, दीपिका जब क्लास 2 में थी तो उनका रोल नंबर क्या था? अरे यार भाई मतलब ये मतलब क्या ये नहीं जी, मजाक कर रहे थे हम आपके साथ में, शादी के माहौल में थोड़ा हंसी मजाक चलता रहता है राइट? हाँ जी हाँ जी। दूसरा आपके लिए सवाल, यानी कि रणवीर सिंह की तरफ से, बैंड बाजा बारात में जो बंदा भोपू बजा रहा था लेफ्ट से 3 नंबर, उसका नाम क्या था? लेफ्ट से 3 नंबर नाम छोड़ी छोड़ी छोड़ी, कोई बात नहीं है आपके लिए, आमिर आमिर तुक्का नाम आ रहे सर आप। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, यानी कि लड़की वालों की तरफ से, ठीक है? एड में जो दीपिका ने सेल्फी ली है उसमें गर्दन उनकी राइट की तरफ है ना लेफ्ट की तरफ है? अरे यार भाई मतलब क्या यार सवाल यार? ये तो ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है ना, क्या सवाल है, कैसे बताओ यार इतना। चलिए लड़के वाले की तरफ से की तरफ, यानी कि रणवीर सिंह की तरफ से एक सवाल, तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां, टंग 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 टंग, सुना है सुना है सुना, सिंगर बताना है इसका? नहीं, तो इसमें बताना है कि ये जो घंटी है वो लोहे की है ना, पीतल की है ना, कांसे की है? क्यों कर रहे हैं मेरे साथ यार आप ऐसा? आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा है कि मतलब आप एक आखिर तरफ से हो और हम लड़की वाले जी, एक आखिर एक आखिर, ठीक है लड़की वाले यानी की तरफ से। ओके ओके, लहू मुंह लग गया गाने में, दोनों है रणवीर एंड दीपिका दोनों है, तो जो लहू मुंह पे लगा वो ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है? मजाक बना के रखा था ये ओ पॉजिटिव था, अब सबसे ऐसे ऐसे सवाल पूछा जा रहा है, हो सकता है मुझे लग रहा है तू पिंटू बोल रहा है ना, मस्ती कर रहा है ना साले, हम जानबूझ के दे रहे हैं मस्ती कर रहे हैं। आप जानबूझ करके जवाब दे रहे थे ये जानकर कि पिंटू आपके साथ में मस्ती कर रहा है? हाँ और नहीं तो क्या, पिंटू की सोच में कोई और ही आपकी लेके निकल लिया भाई। कौन बात कर रहे भाई? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। यार आज तो मतलब यार थोड़ा यार, लेकिन वो सही था भाई, बैंड वाले का नाम आमिर है, ये कहाँ से? हेलो दादा, आपने मिनिसिप কাজ করেন? হ্যাঁ কাজ করে দাদা, দেখতেই তো পাচ্ছি না। কি দেখতে পাচ্ছেন না? অনেক দিন হলো দেখতেই পাচ্ছি না দাদা। আপনি চোখে ডাক্তার দেখিয়ে নিন। না না, আমি কি চোখে আলু নিয়ে ঘুরছি? কি দেখতে পাচ্ছেন না? মানে এত অসুবিধা জিন্দগি মে,
কি দেখতে পাচ্ছিস না বল না তাড়াতাড়ি। দাদা আপ তো রাগে যাচ্ছেন আপনি। আমার কাজ আছে সকালে না? হ্যাঁ তো কাজ তো আমারও কাজ আছে, আমার কাজের জন্য বেরিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। কি দেখতে পাচ্ছেন না সেটা তো বলবেন। আপনি কেন বললেন মাঝখানে? একই মাছি আমার সঙ্গে। হ্যাঁ কি শুনতে পাচ্ছি না একটু জোরে বলবেন। বোকা বললাম। কিন্তু দেখতে পারছি না দাদা। কি দেখতে পাচ্ছেন না? जो आप जो बनाया था ना सुंदर सा ऐसा सीमेंट लगा के ड्रेनेज था अपनी बनिए चिलें तो हमारे इलाका প্রচুর পরিমাণে জল ভর্তি হয়ে গেছে। সেটা আমি কি করবো? সেটা তো উপরওয়ালা বৃষ্টি দিয়েছে। এটা তো আপনারই ভুল দাদা, ড্রেনেজটা আপনি খারাপ বানিয়েছেন। বারবার ডিস্টার্ব করছে আমার, এই উপরওয়ালার ভুল, আপনি উপরওয়ালা ফোন করুন। हेलो। अरे आप पागल वागल इंसान है क्या? क्या पागल पागल इंसान है? बोले आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं? मेरे जो नीचे में रहता है जो आदमी, वो आपको फोन किया था अभी और आपने उसको बोला कि ऊपर वाला बारिश कर रहा है। अरे वो जो फालतू जो फोन किया था। फालतू क्या, फालतू क्या? आपकी वजह से पता है आपको क्या हो गया? सोसाइटी के पूरे लोग मेरे घर के बाहर आके खड़े हो गए, बोल रहे हैं দাদা। এই লোকটার খুন হবে, ইলজাম আপনার উপর আসবে বলে দিচ্ছি। কি হয়েছে দাদা? হ্যাঁ শিল্পা বলছি। হ্যাঁ দাদা, এটা আপনার বুঝতে ভুল হয়েছে। বাড়ির লোক বলেনি, উপরে ভগবান তার কথা বলেছি। আম তো ফালতু ফালতু মিস কো মারওয়া দিয়া। তো দাদা হাত ভাঙলে কা ইনকা হসপিটাল কা খরচা মাং লিজিয়ে আপ ইনসে। অল্প পয়সা মাইনে পাই তো হসপিটালে খরচ কি করে দেবো? আপনি এটা বলুন যে এটা আমার ভুল হয়েছে, আমরা ক্ষমা করে দেবো। এটা আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন। দাদা নমস্কার, মে আরজে প্রবীণ বোল রহা হুম, রেড এফএম 93.5 সে, অর হাম লোগ আপকা মুর্গা। দাদা সকাল সকাল মুর্গা। হ্যালো জি, হামারি বাত কিয়া বিকাশ সে হো রহি হ্যা? হ্যাঁ জি জি, আই অ্যাম কলিং ইউ ফ্রম আমেরিকান। जी बताइए। आने वाले संडे को अमेरिका में इंटरनेशनल हग डे सेलिब्रेट किया जाने वाला है। अच्छा अच्छा। आपका नाम हमारे पास में रेफरेंस के थ्रू आया है, सो वुड यू लाइक टू गो एंड विजिट दिस फेस्टिवल? जी बिल्कुल, बताइए। आपकी जो फ्लाइट होगी वो आज रात की होगी जी, एंड आप संडे मॉर्निंग वहाँ पहुँच जाएंगे अमेरिका। तो इसका मतलब कुछ अपने आप से तो कुछ नहीं देना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, आपको कोई रुपए वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है। वहाँ पे जाना है और हग डे आपको सेलिब्रेट करना है, ठीक है? और इंडिया से भी बहुत सारा हग आपको है यहाँ से लेकर के जाना है। लेके जाना है मतलब? देखिए आप अपनी संस्कृति अपना कल्चर वहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है? एक मिनट रुकेगा, एक अपार हुआगा दूरे। हाँ पूरा 4 किलो निकालना। हेलो। हाँ वो आपको तकरीबन 80 किलो हम लोग यहाँ से अमेरिका तो ले जाना है। हाँ तो एक मिनट रुके, एक बार रुके गफार भाई, क्या हुआ? 250 ग्राम कम हो रहा है। 250 ग्राम कम हुआ, उसको बुलाओ भाई दूसरे वाले को। अरे वो रेल की पटरी पे हंग रहा है, ट्रेन से कट जाएगा। भैया कौन से रंग की ले जाएंगे? आपका सूटकेस कौन से रंग का ये बताइए पहले। ब्लैक कलर का मेरा सूटकेस है। ब्लैक भैया आज ही चाहिए ना? आज ही चाहिए तो ब्राउन निकालना। ठीक है ठीक है, एकदम भूरा कर देंगे इसको। क्या भैया क्या कर कह रहे हो? ब्राउन ही खा के हग रहे हैं भैया। आपको हग समझते ना टट्टी। हाँ आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, सब लाइन में हगो, लाइन में हगो। देखिए अभी लाइन से यहाँ पर हगने का कार्यक्रम चल रहा है, तो अभी सारे लोग हगेंगे और जो हग यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है 80 किलो वो आपको ले जाना है आपके साथ में। तुमने आपको उससे क्या मतलब है? टट्टी पे थोड़ी हमारा नाम लिखा रहेगा। क्या फालतू की बातें कर रहे हो? वो करना ब्राउनी खाए अभी 65 रुपए का भूरा हगने के लिए आप हमको इसी गाली दे रहे हैं। हगडे तो यार सेलिब्रेट करने को बोल रहे हो, ये फालतू की बात लेके बैठ गए। टट्टी आदमी के साथ में तो टट्टी बातें करेंगे ना। उनकी बातें पागल है क्या? यहाँ बैठे हुए हैं हम, यहाँ पे मतलब हग डर करके बैग में क्या अमेरिका लेके जाएंगे पगले कहेंगे? अरे गरीब आदमी, आपके चलते 80 लोगों का काम होगा यहाँ पर, वो काम पर लगे हुए हैं। भैया हमारी बड़ी वाली आंत बहुत कर दी। विकास जी क्या सबसे मतलब विकास जी आप अकेले उठा पाएंगे 80 किलो? अरे आपका तो नाम भी विकास गुहा है। नहीं आप क्या है ना, लोगों को थोड़ा हग करना पसंद करते हैं ना, कि मतलब कोई भी मिल गया, अरे दोस्त आजा यार हग कर ले, हग कर ले। तो हमने सोचा आपके साथ में थोड़ा हम भी हग कर ले। समलैंगी को समलैंगी समलैंगी नहीं बे, रेडियो जॉकी आरजे प्रवीण रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बना रहे थे। अच्छा भैया 80 नहीं, अभी 4 किलो तो हम लोग दे ही देंगे कम से कम, ले जाओगे? भैया किलो में कैसे देंगे, तो पतला किया है, सब लीटर में जोड़ना।
गौरव संचेती जी बोल रहा हूँ। आप मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं आपका साला लगता हूँ, आप मेरे जिया जी लगते हैं। अच्छा, दूर के रिश्ते में? ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब आप इंडिया में और हम बैंकॉक में, दूर है ना बहुत? दूर तो है। 5 साल पहले बैंकॉक आए थे, आपको याद है? आया तो था, बहुत मजा वजा किया था आप लोगों ने जिया जी। बैंकॉक मजे के लिए जाते हैं। एक छोटी सी चीज थी, आप अपनी एक निशानी यहाँ छोड़ के गए। कौन सी निशानी भाई? ये आपकी निशानी है, है जय जी। आप यहाँ आए थे, हमारी दीदी से संबंध बनाया था आपने। यार ये क्या बोल रहे हो भाई? साहिल नाम है एकदम आप पे गया जी। अबे साहिल में काहिल हो? साहिल पप्पू पूरी करनी है आज। नमो नमः मासी ना पापा बात। तो आप यहाँ आए थे जय जी? आप जीजा क्या चल रहा है यार? ये पापा जी, ये आपको रिश्ता बनाने से पहले सोचना चाहिए था जिया जी। क्या सुनो, एक मिनट, प्यार से बात कर रहा हूँ इतनी देर से, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है? हमारे बात, एक मिनट बात कीजिए, बड़ा हो गया है एकदम कोरा चिट्टा और बैंकॉक भाषा भी बोल लेता है वो। सुनो कल घूमता नमोचे पापा, पापा जो पति गिफ्ट 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 कौन है पापा? कानों का नींद नहीं दे रहा है जीजा जी। देखिए हो गया बहुत, अब आप ले जाइए इसको। कुछ भी बोल दूंगा मान जाऊंगा ऐसे ही। आप करवा लो वो CNA टेस्ट, सॉरी DNA टेस्ट। हमने कोई निशानी नहीं छोड़ी, हम अपनी निशानी अपने साथ ले आए। देखिए बिल्कुल आपके जैसा है। अरे तुम्हें क्या पता कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ? अरे पहले तू चुप कर यार। जिया जी ये बिल्कुल आपके जैसा है। बेटा ले जाओ इसका खामका, इधर मैं खा रहा डायमंड अनाज का। बेटा मैं इसका नाना बोलता लो। सारे खानदान लेके बैठो क्या? एक बात बताओ संचेती जी, बैंकॉक आए थे मस्ती करने के लिए 5 साल पहले? मान रहा हूँ मैं इस बात को। तो 5 साल पहले ऐसा क्या किया था आपने कि निशानी छोड़ के गए आप अपनी? निशानी कोई नहीं छोड़ी भाई, मैंने निशानी नहीं छोड़ता। अच्छा मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 की तरफ से, और हम आपका यार दिल की धड़कने बढ़ा दिया। हेलो हाय जी, you had booked your tickets for Yellow Taxi Music Project if I'm correct? Yes I have. Yes, so aap kin ka performance dekhne ke liye aa rahi hain wahan pe? Vaise to sab ka, but I'm eagerly waiting for Darshan Rawal. Right, because I'm a big fan. So let me tell you, I'm calling you from Darshan Rawal's office. Okay, and there's a surprise for you. Okay, kya aap Darshan se baat karna chahenge? What? Yes. Hello. Because you're the chosen one. Oh my God! Seriously? Yes. Okay. Right. So, मैं फोन ट्रांसफर करने वाला हूँ. I know it's unbelievable, पर आप बात कर सकती हैं, ठीक है? एक सेकेंड, बात कर सकती है किससे? जिनका नाम मैंने लिया उनसे बात कर सकती हैं आप, दर्शन रावल से? यस आई एम सीरियस, आई एम सीरियस एंड आई एम ट्रांसफरिंग यू कॉल एंड यू कैन एक्चुअली टॉक टू दर्शन रावल। ओके, आप बात कर सकती हैं, ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन, ओके जस्ट होल्ड ऑन टू योर एक्साइटमेंट एंड वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग योर फोन कॉल। दर्शन लाइन पे बात कर सकती हैं आप। हेलो हाय, हेलो आप बात कीजिए। हाय दर्शन जी, I'm such a big fan of yours. I've been following you everywhere and I'm so excited to see you. Hello. आप बात कर सकती हैं। हाय, I hope you're hearing this. Hi. हाँ हाँ आप बोलते रहिए, आप बात कर सकती हैं। Yeah, so I mean, this one time I even DM'd you, आपने reply भी किया. I'm such a big fan and I'm so excited. I can't believe I'm talking to you right now. Hello. हाँ आप बात कर सकती है, बोलिए ना, बोलिए. Yeah, so but he isn't saying. हेलो, तो हमने तो एक बार भी नहीं कहा ना कि दर्शन बात करेंगे, हमने कहा आप बात कर सकती, तो आपको जितनी बात करनी है कीजिए। ओह माय गॉड, सो नॉट फेयर, सो नॉट फेयर, ओह माय गॉड। ओके, दिस इज RJ प्रवीण फ्रॉम 93.5 रेड FM एंड मी एंड नील वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू पुल अ प्रैंक ऑन यू। ओह माय गॉड, यू गाइस आर सो इंपॉसिबल। अरे हाय,
अच्छा सीना, इट्स ओके, वी वर जस्ट प्लेइंग अ प्रैंक ऑन यू, इट्स ओके, इट्स डन. लेकिन हमारे साथ ना अभी ऑनेस्टली जो हम कर सकते हैं, जो रेड एफएम की तरफ से मैं और प्रवीण कर सकते हैं, वो जावेद जी लाइन पे है. जावेद जी से बात करा सकते हैं. आपको मालूम है और कौन कौन से आर्टिस्ट वहां पर आने वाले हैं? जावेद जी, सोलमेट, ओ माय गॉड, आई एम ऑफ कोर्स बुक द टिकट्स, लू मजा भी है. तो जावेद जी इज ऑन द लाइन, आई कैन टेक हिम ऑन कॉल. वो भी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी, उनसे मैं बात कर रहा हूँ आपकी. आई एम सॉरी आई डोंट बिलीव यू गाइस, ट्रस्ट एनी मोर. बिलीव अस यार, इट्स ओके. वो मजाक कर रहा है यार, वो मजाक था यार. हाँ, तो मालूम हम लोग प्रैंक करते हैं, तो हम लोग प्रैंक ही कर रहे थे. जावेद जी से बात करा सकते, लेकिन हम बात कराएं आपकी. ओके. और मतलब जावेद जी भी बात करेंगे इस बार, ऐसा नहीं है कि आप बात कर सकती है, ठीक है? मैं कनेक्ट करता हूं, मैं कनेक्ट कर देता हूं. कनेक्ट कर दे भाई. हाँ, जस्ट होल्ड ऑन. ये एक से. बात कर सकती है आप, स्टार्ट करो. हाय हाय जावेद जी. जी ये जिंदगी है तो फासले हैं, और फासले हैं तो जिंदगी है. ओ माय. हेलो जी, बताइए. जावेद जी सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए. देखिए, हमने कहा था जावेद साहब से बात कराएंगे, हमने ये नहीं कहा था कि जावेद अली साहब से बात. यार बैक टू बैक. देखिए ऐसा है, अब हंस रही हूँ. राइट सर, because we have pulled a prank on you, you know what we can do for you is, on the day of the event, when you come down, we'll actually make you speak to Javed Ali, Darshan Rao, Lumaja, Soulmate and Mame Khan, everyone. सबसे मुलाकात कराएंगे और आपकी personal picture करवा के देंगे. ये थोड़ा देखिए, मंजिलें हैं तो हमारे शब्द है, और शब्द है तो यकीन है, यकीन है तो bookmyshow.com पे जाइए एंड बुक योर पासेस राइट अवे फॉर द येलो टैक्सी म्यूजिक प्रोजेक्ट सीजन 2. बजा दे रहो. ए मिला देंगे यार तुमको, पक्का से याद. ओके, बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू सो मच. हेलो जी. हाँ जी, बोल रहा हूँ. जी हम आपके लोकल काउंसलर की ऑफिस से बात कर रहे थे. जी बताइए. एंड सर, हमने कॉल किया था जस्ट टू कंग्रेचुलेट यू, क्योंकि हमने देखा कि इस लॉकडाउन के दौरान आपने लॉकडाउन के नियमों का सारा पालन किया, और जब जब आप घर से बाहर निकले किसी काम के लिए तो आपने मास्क पहना. अभी आपकी ऑफिस भी चालू हो गई है, तो आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने से पहले आप मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ऑफिस की गाड़ी के हैंडल को सैनिटाइज करते हैं, गाड़ी में बैठ के हाथों को सैनिटाइज करते हैं. हमने सब चीज़ें ऑब्जर्व करी है, एंड कमेंडेबल जॉब डन बाय यू सर. थैंक यू सो मच. मतलब देखिए, मैं क्या, मैं सबको बोलूंगा कि सब लोग जो है मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहे, और इवन हमारे ऑफिस में भी जो लोग हैं वो प्रॉपर इसका ध्यान रख रहे हैं. मैं तो हर 20 मिनट में हाथ धोते ही रहता हूँ, और बिना मास्क के घर से निकलता ही नहीं हूँ. क्या तो बात, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. हम ना आज शाम को आपके घर पे तकरीबन 10 मास्क और कुछ सैनिटाइजर की बॉटल वगैरह भेज रहे हैं, ठीक है ना सर? जरूरत होगी? नहीं सर, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास है. जरूरत है सर, जरूरत है. नहीं नहीं सर, है मेरे पास. अरे मैं बता रहा हूँ सर, जरूरत है. अरे सर, घर मेरा, जरूरत मेरी, मुझे बताना सर, ऐसा कोई इशू नहीं है मेरे पास. है सर, आपको नहीं सर, मार दीजिए ना जहाँ पे. आपको नहीं सर, मतलब आपके पापा को जरूरत है. आपके पापा जो है वो हर दिन सुबह निकलते हैं, कभी सब्जी लाने के लिए, कभी दूध लाने के लिए, यहाँ तक कि आपकी दवाइयां लेने के लिए भी आप नहीं वो घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है? उनके पास शायद मास्क नहीं है, वो हमेशा रुमाल बांध करके रखते हैं, और किसी दिन अगर रुमाल भूल जाते हैं तो वो अपनी टी शर्ट को ऐसे करके बाहर निकलते हैं. उनकी उम्र हो गई है सर, इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो गई है, पर क्या फर्क पड़ता है ना, बाप है ना, बाप जो होते हैं वो सब कुछ संभाल लेते हैं. आपने अपनी सुरक्षा कर ली, आपने अपनी सुरक्षा के लिए सारी तैयारियां कर ली सर, पर उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा जिसने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया था, ठीक है? जब आपको सर्दी लगती थी तो रात भर आपके सीने पे वो मलहम लगाते थे, आपको अपने सीने पे लिटाते थे ताकि आपका सीना गर्म रहे. वो चाहते हैं कि आप कामयाब हों, लेकिन आपकी कामयाबी देखने के लिए वो जिंदा भी तो रहने चाहिए ना सर.
मैं कह रहा हूँ सर, देखो अब अगर ख्याल नहीं रखोगे ना तो कब ख्याल रखोगे, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो ना कभी आपको आकर के बोलेंगे नहीं, है ना जी सर, कभी आपको आकर के बोलेंगे नहीं कि उनको भी चाहिए, उनको भी जरूरत है, वो घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए बहुत रिस्क है ना सर। आई होप कि आप समझ पाए, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफ एम 93.5 से, और मैंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन का वीडियो बनाया जो मैं अपलोड भी करना चाहता हूँ लेकिन आपकी परमिशन के साथ में, और आपके नाम को मैं बीप कर दूंगा ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं किनसे बात कर रहा था, लेकिन ओनली इफ यू गिव मी परमिशन देन ओनली आई विल डू इट। नहीं सर, सही बात है, शायद जो गलती मुझसे हुई है वो किसी और से ना हो तो हाँ प्लीज आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एंड आई अंडरस्टैंड, सॉरी, एंड आई होप आप करेंगे जो आपने कहा। बिल्कुल सर, मैं अभी इस बात का ध्यान रखूंगा सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो गाइज, पीपल दोज़ आर वाचिंग द वीडियो, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज दैट यू नो कि वो आपको बोलेंगे नहीं, ठीक है ना? बचपन में आपके बिना बोले वो आपकी सारी बातें समझ जाते थे, अब बारी आपकी है कि उनके बिना बोले आप उनकी सारी बातों को समझें। हेलो हेलो विवेक जी। हाँ विवेक जी, सतीश जी के लड़के की शादी है, आपको याद ही होगा, पता होगा सतीश में जी। हाँ, हाँ, जी, हाँ जी सर, सो मैं सर इवेंट मैनेजर बात कर रहा था सर, वो पूरी वेडिंग हम लोग देख रहे हैं सर। सर आपके पास में पेन और पेपर है सर, अगर एक इम्पोर्टेंट चीज आपको लिखवानी थी। हमको लिखवानी पेन जी, पेपर जी 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 सर। हाँ मिल पेन मिल गया, बताओ। हाँ लिखिए सर, पी एन आर, क्या पी एन आर जी, 5689 5689 25 25 78 78 60 सर, ब्रैकेट में लिखिए नंबर 5657 ब्रैकेट 56 फिर कॉमा है, 56 के बाद कॉमा है, फिर 57 है, फिर RAC RACPNR। तुमका ट्रेन में बैठा रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, ये एक्चुअली क्या है ना, आपको मालूम है न्यू नॉर्मल के हिसाब से 50 लोगों को शादी में इनवाइट किया जाता है ना सर, तो सतीश जी ने प्रायोरिटी लिस्ट दी थी, प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार आप उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, 50 लोगों में नहीं आ पाए, आप 5657 में है अभी आपका नंबर, और RAC रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, मतलब 50 लोगों में अगर कोई कैंसिल होगा ना सर तो फिर आपको आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब 52 53 54 ऐसे चला जाएगा, और अगर 50 में हो पाया तो फिर आप शादी में आ पाएंगे सर। मतलब सतीश से तो हमारी 20 साल की दोस्ती चल रही है, इस तरीके से काम करा रहे हो तुम लोग, गजब सतीश, हमको भूल गए, हम उनके अम्मा के लिए टिफिन लेके जाया करते थे हॉस्पिटल में जब एडमिट थी तब, 56 पे डाल दिया हमको, भाई भाई बोलता था सर। आप 56 में, आपकी बीवी 57 पे है। अरे वो अपनी ना, मैं जाऊंगा ना मेरी बीवी जाएगी, 56 57 डाल दिया हमको सर। एक मिनट सर, कोई लेटेस्ट अपडेट है सर, एक मिनट रुकेगा सर, अगर आप बुरा ना माने सर प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पी एन आर नंबर 5689257860, योर इनविटेशन स्टेटस इज 53.5 एंड 54.5 सर, मुबारक हो। छप्पन सर, 5657 से RAC अभी 53 54 पे पहुंच गई है। साढ़े मतलब क्या, आधा पे यार, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, किसी के आने के चांसेस हाफ है, कोई है जो हाफ चांसेस है उसके आने के, इसलिए आपका 53 54 हो गया सर। अरे को नहीं जाना है वहाँ पे यार, हद की हो तुम लोग, वेटिंग में डाल रहे हो, शादी ट्रेन है क्या, ट्रेन में ऐसे लग रहा है होटल में घुस रहे हैं, वेटिंग डाल रहे हो सर। एक चीज सर, और सर ये न्यू नॉर्मल है सर, अब ऐसा ही होगा, मैं आपको बोला था सर गिफ्ट जरूर खरीद लीजिएगा भले आना हो या ना हो, है ना? अरे तुम हम अपने सतीश के, हम इतने दिन से जो है इतना कुछ किया उनके लिए, अभी हमको जो है बोल रहे हैं वेटिंग में डाल दिया, गिफ्ट चाहिए अपना, गिफ्ट लेंगे 53 54 साढ़े और पौने और सवा नहीं आएंगे वहां पे, और गिफ्ट जो है कि लेके आएंगे। हेलो, हाँ विवेक जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं भैया। सुनिए विवेक, बोल रहा हूँ, PNR नंबर 5689257860 वाले आप ही है ना? कौन बोल रहे हैं आप? 53 पे आप आ गए, अटक गए आपका मामला। सुनिए, एक आदमी से 1000 रुपया लूंगा और मामला कंफर्म कर दूंगा। अरे वो यहाँ पे बार बार फोन करके परेशान किए जा रहे हो, नहीं आना इतनी शादी में, 1000 रुपए में सर कंफर्म कर देगा आपकी टिकट सर, 1000 2000 रुपए में भाभी जी और आप आएंगे, पूरा शादी का लुत्फ उठाएंगे। बोलो हमारे घर पे आए, 4000 रुपए देंगे। यहाँ पे
में नहीं आना आ रही, इसी को वेटिंग लिस्ट लगा रहे हैं हम, इसी इसी में टिकट कटाए हैं। जाके कहीं राजधानी में घुमाएंगे, ट्रेन फ्लाइट से घुमाता है आदमी 4000-1000 रुपए में। एक मिनट, इतना गुस्सा ना करें। सतीश जी के लड़के की शादी है, आप जरूर आ रहे हैं। सतीश जी ने कहा था कि आपसे थोड़ा मजाक करें, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे हम। अरे यार तुम कहने में आ गया। अरे आपके इतने अच्छे दोस्त है, तभी तो आपको मुर्गा बनाने के लिए बोला, अदरवाइज थोड़ी ना बोलते वो। तो उसको बोल दिए थे शादी में ही हमारा मुर्गा बना दिया था नॉन वेज आइटम। 93.5 रेड एफएम, वेलकम टू न्यू नॉर्मल, बजाते रहो बजाते रहो। ये फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक हेलो, कोरोना की कॉलर ट्यून को बदलने के लिए एक दबाएं, अन्यथा दो दबाएं। आपने जो विकल्प चुना है वह दो है, अर्थात आप कोरोना की कॉलर ट्यून से बहुत संतुष्ट हैं। ओ भैया, भाई एक दबाया है। कोरोना की कॉलर ट्यून को बदलने के लिए एक दबाएं, अन्यथा दो दबाएं। आपने एक का विकल्प चुना है। हाँ। अपने विकल्प को कंफर्म करने के लिए एक दबाएं, अन्यथा दो दबाएं। नहीं, एक ही तीन बार होगा, एक दबाएं तो पूरा। भाई होता है, हम क्या करें बताइए, ऐसे हम लोग को भी करना पड़ता है ना, दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, आप ऐसे इरिटेट होंगे तो नहीं चलेगा ना। हेलो जी, भाई ये तो कौन? सर मैं वही बोल रहा हूँ जो अभी ऐसे आपसे बात कर रहा था ना, ये हमारी नॉर्मल आवाज है, ठीक है ना। दिक्कत क्या होती है कि हमें ऐसे करना पड़ता है, वो टोन में बात करनी पड़ती है, कई कई बार ऐसा ऐसा होता है, एक से लेकर नौ तक हम बोलते हैं, ठीक है ना, फिर हमको बोलना पड़ता है मेन मेन्यू में जाने के लिए आप स्टार दबाए, लोग स्टार दबा देते हैं, फिर एक से लेकर के नौ तक हमें बोलना पड़ता है, दिक्कत होती है सर हमें बहुत। मतलब रिकॉर्ड नहीं होता ये बंदा बोल रहा होता है? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो हम आपकी कॉलर ट्यून को बदलने की प्रक्रिया को आगे ले जा सकते हैं। सुना सर आपने? हाँ, ये रिकॉर्डेड नहीं सर, लाइव होता है, दिन भर बैठ के यही करते सर हम। भाई मतलब कॉल आती है तो ये ऐसे यार तुम लोग ऐसे बना के बोलते हो? हाँ सर, बना करके बोलना पड़ता है, क्या करें सर, वो दिक्कत होती है ना। चलिए सर, अच्छी बातचीत बाद में करेंगे सर, लेकिन अभी प्रक्रिया को शुरू करते हैं, आगे चले सर। हाँ भाई हटानी यार कॉलर ट्यून, मैंने एक दबा दिया है जी, उसके आगे ले रहे हैं अब। अच्छा दोबारा दबाना पड़ेगा एक? नहीं नहीं, दोबारा नहीं दबाना, उसके आगे का खेल जारी रखेंगे हम। अच्छा, ठीक है, बताओ जी। तो कॉलर ट्यून को बदलने के लिए आपने एक का विकल्प चुना है, इसे रिप्लेस करके हम आपकी एक फेवरेट गीत को आपका कॉलर ट्यून बनाएंगे, कृपया अपना फेवरेट गाना गुनगुनाएं। गाना भाई फेवरेट सर, आप जल्दी कीजिए ना सर, आगे और 56 लोगों को कॉल करना है सर, जल्दी कीजिए थोड़ा। अरे भाई वो वाला भाई वो, हाँ। मन मस्त मगन मन मस्त, वो वाला लगा दो भाई। आपने जो विकल्प चुना है वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल है, जरा रुकिए, आपकी नई कॉलर ट्यून होगी। मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल। भाई ये कब आ गया यार गाने में? ये इस वक्त बहुत जरूरी है, हमें खेद है, लगता है ये सिस्टम की गड़बड़ी थी, हम एक बार नॉर्मल। अरे भाई यार सिस्टम गड़बड़ी का, वो लगा दो गाना यार। आप क्या बोल रहे थे? नॉर्मल भाई वही वाला गाना लगा दो ना जो नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल? हाँ सर नॉर्मल लगाते। एक मिनट रुके, वायरस को फैलने से ये थोड़ी लगाना है। यही विकल्प आपके फोन के लिए बेस्ट है। तू बता रहा मुझे कौन सा विकल्प बेस्ट है हमारे फोन के लिए? मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाए। मेन मेन्यू यार, मेन मेन्यू क्यों जाऊंगा भाई मेरा, अन्यथा हैश दबाए। हेलो, या फिर शून्य दबाए। भाई तू तो नॉर्मल बात कर सकता ना, तूने बताई थी अभी, वैसे बात कर ले। हाँ तो नॉर्मल बताइए सर, क्या करना बताइए। भाई जो गाना मैंने बताया ना, वो मन मस्त मगन वो वाला गाना लगा दो भाई।
मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाए। ले दबा दिया भाई। आपने गलत बटन दबाया है भाई। मेरे किस सारे हेलो। अरे भाई साहब, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। यार आज कॉल इतनी बढ़ जाएगी भाई, मैं बहुत डोंट गेट इरिटेटेड, ये आपकी भलाई के लिए। रेड एफएम 93.5 मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाए। दबाते रहो बया दे रहो। দাদা আমি আপনার নাম্বার ওই মুখার্জি দার কাছ থেকে পেয়েছি। দাদা আপনি, আমি জানি মুখার্জি দামায় বলেছে আপনি আগেও এই কাজটা করিয়েছেন। হ্যাঁ আপনার দ্বারা পসিবল দাদা, যদি কিছু বল। দাদা হ্যালো স্যার, স্যার 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 মার্কস বেশি না পেতে পারি, আমি করে নেবো। আমি আমি একবার অ্যাডমিশন পেয়ে গেলে আমি কিন্তু ভালো মার্কস পেয়ে যাবো, আমাকে একটু অ্যাডমিশনটা করিয়ে দিন স্যার। দাদা আমি আমি আমার 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 ছোট ভাইয়ের গ্যারান্টি নিচ্ছি দাদা, আপনি যদি অ্যাডমিশন করিয়ে দেন। ঠিক আছে, আমি যেটা বলছিলাম হয়ে যাবে, কিন্তু একটা সমস্যা আছে, মানে সমস্যাটা হলো এরকম, মানে না আমি ঠিক সমস্যার ব্যাপারে হ্যাঁ বুঝি বুঝি দাদা। হ্যাঁ কত কি পড়তে পারে দাদা যদি একটু বলেন? পড়বে লাখ খানেক তো পড়বে, মানে মোটামুটি 1 লাখ। ঠিক আছে 1,20,000 তে করে দেবো আমি। দেখছি দাদা 1,20,000 একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না ভাই? ওনার তো কি দরকার আছে নাকি তা বলে দাও। দেখো ভাই লাইনে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে, ওটা কোনো ব্যাপার না, বলে দাও সেটা আমাকে। দাও কি আছে আপনাকে জানাবো, কিন্তু একটু সময় লাগতে পারে কারণ বাবার তো ডিউটি এরকম না, বাবা পুলিশে। তো বাবা মানে বাবা কি কি কাজ করে? বাবা বাবা পুলিশে দাদা। হি হ্যাজ ডিসকানেক্টেড দ্য ফোন। ওয়েট আ সেকেন্ড। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ দাদা আপনি ফোনটা রেখে দিলেন। দাদা আপনি আপনি তো বললেন 1,20,000 টাকা অ্যাডমিশনটা হবে, আবি আপ পিছে কিউ আট গায়ে দাদা, উসকে ফটকে হাত মে আ গই হ্যায়। আই ডোন্ট থিংক সো দাদা, ভাইয়ের ক্যারিয়ারটা নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি বললেন তো আপনি 1,20,000 টাকায় করিয়ে দেবেন। স্যার প্লিজ স্যার, স্যার আমার ভাই প্লিজ স্যার, বাবাকে বলে দেবেন না করে দিলে। এরা ক্যারিয়ার তো গায়া ভাই।